सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर को कंस्ट्रक्ट करने की बात करें कि हम इलेक्ट्रिक मोटर को कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें इसमें लेनी है दैट इज फर्स्ट दो मैग्नेट्स लेने हैं स्ट्रॉन्ग मैगनेट्स और उन्हें कुछ इस तरह से प्लेस करना है लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट्स यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके इसके बाद हमें एक रेक्टेंगुलर कॉयल लेनी है लाइक like दिस इसके चार एंडस होंगे ए बी सी एंड डी ए बी हमने लेफ्ट साइड पे रखी है सी डी राइट साइड वाला एंड है इस रेक्टेंगुलर कॉइल को के के साथ साथ अटैच अटैच करना करना है और वी कैन से स्प्लिट रिंग्स है क्योंकि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ स्प्लिट रिंग भी रोटेट करेगी तो हमें सर्किट को मेंटेन करने के लिए कुछ कार्बन ब्रशेस की भी जरूरत होगी कार्बन ब्रशेस का हम बस यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि सर्किट कंप्लीट रहे ब्रेक ना हो क्योंकि जब स्प्लिट रिंग्स के साथ रेक्टेंगुलर कॉयल रोटेट करेगी तो वहां पर सर्किट ब्रेक हो सकता है उस सर्किट को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर कार्बन ब्रशेस का यूज करते हैं एंड द क्वेश्चन इज दैट कि यहां पर हमने स्प्लिट रिंग्स क्यों ली कंप्लीट रिंग्स क्यों नहीं ली सो so यहां पर हमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करवाना है इसे हम आगे देखेंगे कि डायरेक्ट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है और ऑल्टरनेट करंट कैसे प्रोड्यूस होता है उसका कुछ हिंट यहां पर हम इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग में भी देख लेंगे कि कैसे एक स्प्लिट रिंग्स और वी कैन से कॉम्यूटेटर्स डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करवा पाते हैं नेक्स्ट अब तक हमने मैग्नेट्स ले लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली ए बी सी डी वाली उसे कॉम्यूटेटर्स या कहीं स्प्लिट रिंग से अटैच कर दिया स्प्लिट रिंग्स ले ली क्योंकि ये डायरेक्ट करंट मोटर है डायरेक्ट करंट पर वर्क करेगा इसके बाद दो कार्बन ब्रशेज लिए जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं ताकि सर्किट ब्रेक ना हो एंड लास्ट हमें यहाँ पर करंट फ्लो करवाना है क्योंकि एक मोटर है हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में बदल रहे हैं तो हम यहाँ पर कुछ बैटरीज लगाएंगे जिससे कि करंट फ्लो हो बैटरीज का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट करंट फ्लो करवा रहे हैं मतलब एक ऐसा करंट जिसकी एक ही डायरेक्शन हो बार बार डायरेक्शन चेंज ना हो दैट्स वाई हमने इस डी मोटर में स्प्लिट रिंग्स का यूज करा है अगर यहाँ ऑल्टरनेट करंट होता तो यहाँ पर स्प्लिट रिंग्स की जगह कुछ और होता जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे तो ये था इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन की इसमें क्या क्या यूज आएगा किस किस चीज का हम इलेक्ट्रिक मोटर को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करेंगे सो फर्स्ट मैग्नेट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे सेकेंड रेक्टेंगुलर कॉल जिसमें से करंट फ्लो करेगा और जिस पर फोर्स लगेगी थर्ड रिंग्स या कॉम्यूटेटर्स जो कि रेक्टेंगुलर कॉयल में अटैच होंगे फोर्थ कार्बन ब्रशेस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को मेंटेन करेगा एंड लास्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए कुछ बैटरीज जिससे इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो नेक्स्ट इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करता है